start. Exercise 11. They should ship all the coal on Monday, the 10th of May. Full stop. Second, ask the cashier to pay all the money into the bank at 2 today. Full stop. 3. Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship. Adelaide on the 4th of the month. Full stop. 4th. The bill of lading should reach Canada on the 5th of March. Full stop. Who among all the party may move the vote? Full stop. Friends, ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है पिटमैन शॉर्ट हैंड बुक की 11th. ये लर्नर्स के लिए है, ठीक है? तो इसे आप जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करिएगा. जो लर्नर के बंद जो लर्निंग कर रहे हैं बंदे, उनके लिए है ये. कोशिश करिए कि इस स्पीड में आपका अच्छा हो जाए, ठीक है? और इसके पहले जो प्रैक्टिस आप कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू दैट, तभी ये हो पाएगा, ठीक है? कुछ ये देखिएगा कि जो भी मैंने बोला है उसमें प्रोनंसिएशन कैसा है, उसमें वॉवल्स कौन सी लग रही हैं. आपने इसके पहले वॉवल लगाना ही सीखा होगा. तो इसमें देखिएगा, जैसे दे शुड शिप मैंने बोला है, तो दे में कौन सी वॉवल लगी है, शुड में क्या लगा है, ये शुड है क्या, और शिप में कौन सी वॉवल है. इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज को आप करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा. मैं सजेस्ट करूँगा कि 15 बार करिए आप ये, जो भी लर्नर के बंदे हों, ठीक है? चलिए, थैंक यू. बताइएगा कैसा है और इसको सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि और लोग भी कर सकें.